ओवरब्रिज बन रहा है करके भाई तहस नहस है। ये लंबा लंबा राइड करता हूँ और गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है। ये भी खाना है। आज तो घर में रह रहे के बोर हो गया हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक राइड कर लेता हूँ। आप लोगों को अपनी 220 भी दिखला दूंगा, कभी 220 कैसी चल रही है उसके बारे में भी कुछ कुछ जानकारी आपको देने हैं। अगर आप BS6 मॉडल लेते हैं तो क्या क्या तकलीफ आ सकती है आप लोगों को, वो भी आप लोगों को भी चलते चलते बतला दूंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ धमतरी, यहाँ से लगभग वही 70-80 किलोमीटर के आसपास में ही है, तो एक छोटा सा राइड करते हैं अपन। अभी दोपहर के 12:15 हो रहे हैं और ठंड का समय है, तो शाम तो जल्दी हो जाते हैं। तो ठीक है, फटाक से निकलते हैं, बाइक राइड पे मिलते हैं और जानकारी भी देते चलूंगा आप सभी को। ठीक है, निकलते हैं और चाबी मैं यहीं पे रख देता हूँ कि कभी कभी घर में होता नहीं होना। गाड़ी दिखलाता हूँ आप सभी को, ये देखो यूट्यूब के पैसे से ख़रीदा हुआ बाइक। इसमें दिक्कत क्या आ रही है गाइस, यहाँ पे ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को, यहीं से ना कभी कभी गाड़ी बंद हो जाती है, वो आप लोगों को अभी चलते चलते बताता हूँ। अभी मैं लच्छी मार्केट होते हुए जा रहा हूँ क्योंकि यहीं आसपास में मैं भी रहता हूँ, फरीद नगर। आप लोगों को बतलाना नहीं चाहिए था लेकिन बतला रहा हूँ मैं। कई लोग पूछते ना कहाँ पे रहते हो भैया करके, फरीद नगर अपना घर है, इसीलिए मैं अधिकतर लोगों को बतलाता हूँ कि मैं लच्छी मार्केट के आसपास में रहता हूँ करके। ये लच्छी मार्केट सामने में ही है, यहीं से अपन सब्जी भाजी सब खरीदते हैं, और संडे मार्केट तो आप सब जानते ही हैं, तो यही रूट से आना जाना अक्सर होता है, अंदर ही अंदर निकल जाता था। और अधिकतर मैं जब भी व्लॉगिंग करता था मैं गदा चौक है वहाँ से करता था, क्योंकि क्या है घर में मैं होता नहीं हूँ, उसके बावजूद भी पता नहीं भाई साहब हमारे सब्सक्राइबर इतने चतुर चालाक हैं, हमारे घर पे राउंड लगा रहे थे जब मैं कहाँ गया हुआ था, अभी उज्जैन गया हुआ था तब। तो मम्मी बोल रही थी कि पता नहीं कौन था, 3-4 लोग आए थे पूछ रहे थे राहुल भैया कहाँ हैं करके, तो ऐसा मत किया करो यार। देखो मैं घर में होता नहीं हूँ, मम्मी अकेली रहती है, कभी पापा रहते हैं, कभी भैया भी रह जाते हैं, भैया अप डाउन करते रहते हैं टाटा से, कभी बहन लोग दमान लोग। तो आप लोग मुझसे मिलने के लिए आते हैं और मैं घर में होता नहीं हूँ, तो मुझे ज़्यादा अफसोस होता है कि इतना दूर से लोग आते हैं और मुझसे मुलाकात होता नहीं है और इतना टाइम वेस्ट होता है। तो वो सब चीज़ मत किया करो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दिया करो, कभी भी मैं अगर फ्री रहूँगा तो मैं आपको खुद कॉन्टेक्ट करूँगा, मैसेज करूँगा, मुलाकात करूँगा। और मुलाकात करने की अपनी बेस्ट लोकेशन है सिविक सेंटर, वहीं पे अपन मुलाकात करते हैं। कई लोग मुझसे बोल भी रहते कि सर मीटअप कब करोगे, 4 लाख आपके प्लस सब्सक्राइबर होने वाले हैं, तो मीटअप का ऐसा कुछ मैं सोचा नहीं हूँ। मैं जब मेरा 50,000 सब्सक्राइबर थे तब उस समय सोच रहा था कि कुछ बड़ा कुछ करेंगे करके, लेकिन अब ना मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखो अपने भी व्यू वगैरह सब डाउन जा रहे हैं, देख ही रहे हैं, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है ना, इस वजह से थोड़ा सा मन नहीं कर रहा है। जब अच्छे अच्छे व्यू आने लगेंगे ना, और कैसा वीडियो चाहिए वो भी बताइए, तो अच्छे व्यू आएंगे तो मैं ऑटोमेटिक आप लोगों को बतलाऊंगा। ये सुपेला पहुंच गए हम लोग और ओवरब्रिज बन रहा है करके, भाई तहस नहस है ये जगह, तहस नहस। और उसमें भी ट्रैफिक वाले पुलिस वाले बस चालान काटने में लगे रहते हैं, ट्रैफिक कंट्रोल करने में बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और यहाँ रुके आने की आपका 10-15 मिनट खपत है। ये आकाशगंगा है सुपेला का, और काफ़ी बड़ी बड़ी दुकानें हैं, लेकिन जब से ये रेलवे फाटक बंद हुआ है ना तब से यहाँ की जो मार्केट है पूरी डाउन चली गई है। अधिकतर दक्षिण गंगोत्री ये है हमारे राइट साइड में, इधर से होते हुए जाते हैं हम लोग। अभी मैं दोस्त के यहाँ जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे लग रही भाई बड़ी बड़ी मार्केट, बड़े बड़े दुकान देखने को मिलेंगे, ये देखो इस तरह से। तो आते हैं यहाँ भी अपन ख़रीदारी करने के लिए। इधर A1 में अधिकतर बचपन में आया करता था मैं, CD कैसेट, DVD बूफर आता था, साउंड बॉक्स, ये सब खरीदने के लिए बचपन में बहुत शौक था कि गाने बजाने का। अब तो मन ही नहीं करता, टाइम भी नहीं है, मन भी नहीं करता, गाना वाना कुछ ढंग का बनता भी नहीं है। तो ठीक है अपन थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अरे बाप रे, मार्केट तो पूरी यहीं लग जा रही है भाई, अंडर ब्रिज के पास में। देखो जब से वो बताया ना फाटक बंद है तब से वहाँ की जो मार्केट पूरी ठप हो गई है, तो लोग यहीं पे दुकान लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। काफ़ी जाम चलता है ये अंडर ब्रिज, ऊपर से ट्रेन भी जा रही है भाई। तो अपने मित्र को हम ले चुके हैं, अब हम यहाँ से निकल रहे हैं धमतरी के लिए, क्योंकि आज हमारा राइड है। घर में रह रहे के अपन बोर हो चुके थे,
गाइस तो ये देखो यहाँ पे मैत्री गार्डन जाने वाली रूट पर जमकर चालान कट रहा है। हमारे भी देखोगे भैया? नहीं कटेंगे। हाँ यार वो भूल गया था, उनको देखने के चक्कर में मैं भूल गया था कि हमारी बाइक में तकलीफ क्या हो रही है। आपने अगर केदारनाथ वाला ट्रिप देखा होगा तो उसमें मैं जिक्र किया हुआ था कि हमारी जो बाइक है वो चलते चलते बंद पड़ गई थी, तो यही दिक्कत बार बार आ रही है। लगभग दो या तीन बार हो चुकी है और मैं सर्विस सेंटर पे बोला हुआ हूँ तो सर्विस सेंटर वाले भाई साहब बोलते हैं कि BS6 में अभी यही दिक्कत, जितने भी पल्सर बाइक है सब में यही दिक्कत आ रही करके। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ इस वजह से कि मैं लंबा लंबा राइड करता हूँ और गाड़ी अचानक से बंद पड़ जाती है, उसके बाद स्टार्ट होने का नाम नहीं लेती है। तो मैं वही कंफ्यूज हूँ कि मैं ये गाड़ी लेके ना बहुत ज़्यादा पछता रहा हूँ, ऐसे वाली बात हो गई है। गाड़ी एक नंबर है, गाड़ी एक चलने में चलाने में कोई तकलीफ नहीं है, बस वही है जैसे कि अभी मान लो मैं अभी चल रहा हूँ, ठीक है, चलते चलते ना पता नहीं बंद पड़ जाती है। तो अभी तो जो अपने सर्विस सेंटर वाले भैया हैं वो मस्त तनाटन बना के दिए हुए हैं। जस्ट सर्विस करा के मैं उज्जैन के लिए गया हुआ था और आज मैं बाइक को निकाला हूँ, मैं देख सकते हो 2445 किलोमीटर चल चुकी है अभी तक में, अभी इससे डबल हो जाता, लेकिन वही जो दिक्कत आ रही है ना इस वजह से मैं इसको ना लेकर जाने में सोचना पड़ता है। अभी तक जो हमारी राम कैरी है होंडा ट्विस्टर वो आज तक भाई साहब लगभग 12-13 साल होने वाले हैं, आज तक कभी भी धोखा नहीं दिए। हाँ बस मेजर दिक्कत ये आता था उसमें कि कभी कभी गाड़ी पंचर हो जाती थी, बस उसके अलावा कोई दिक्कत आती ही नहीं थी। वो भी ट्यूबलेस था तो अपन चलाते हुए बड़ा आराम से लेके चले जाते थे मैकेनिक के पास में। और इसको भाई लेके जाना, क्योंकि एक तो इतना भारी है भाई, है ना, उसको हम लोग मसूरी में एक दिन बस रुक पाए थे। मसूरी में सोचा हुआ था 3-4 दिन रुकेंगे करके, लेकिन मसूरी में एक दिन रुक पाए थे हम लोग और गाड़ी अचानक से बंद पड़ गई थी शाम को। और हम लोग भाई नीचे उतार दिए थे, मतलब कि लोगों को पूछते कि मैकेनिक की दुकान कहाँ पर है, कौन बना कर दे सकता है। 2-3 दुकान पे दिखाए थे हम लोग लेकिन भाई नहीं बना पाए थे। और एक जो भैया थे उसने हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी थी, तो भैया बताया था कि नीचे में एक भैया हैं उनके पास चले जाओ करके। तो हम लोग नीचे उतार दिए गाड़ी रात को ही और वो भैया की दुकान बंद, तो समझ में नहीं आप कहाँ छोड़े गाड़ी को और फिर ऊपर चढ़ाना, मतलब कि 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी मसूरी, अब देख गए होंगे तो आप जानते हैं 2 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई थी। और यहीं से अपने को लेना है राइट धमतरी के लिए, हम लोग यही अंदर से शॉर्टकट जाते हैं, ठीक है, यहीं से चलते हैं। तो 2 किलोमीटर चढ़ाते हैं, मतलब कि शाम के हम लोग 6 बजे से चढ़ाई स्टार्ट किए थे, मैं और बस्तरिया भाई थे और रात के 10-10:30 बजे तक चढ़ पाई थी 2 किलोमीटर, सोच लो कितने घंटे लगे थे। आ गए हम लोग किकिर मिट्टा। अच्छा ये वाला चालू हो गया, पानी भरा हुआ था तो पूरा बंद था, हम लोग ऐसे पूरा घूम के गए थे हम लोग बस इतने के लिए, पूरा एक राउंड मार लिए थे लगभग 2 किलोमीटर। अभी भी बना नहीं है लेकिन हाँ आना जाना अपन कर सकते हैं। अरे तेरी की खतरनाक रूट हो गया ये भी किकिर मिट्टा, सोचो। हाँ अच्छा वीडियो ले रहे हो क्या, वीडियो ले रहे हो? देखिए बनेगा तो मजा आएगा भाई। जैसे उत्तराखंड भी है ना अपना, जो अपन राजिम जाते हैं, राजिम जाते हैं वहाँ का बन गया है। हाँ वो तो बन गया, बीच में बना ना। हम्म, जाती है। हाँ एक खरून नदी है, खरून सब पता है मुका ये दादरी। तो अभी यहाँ पे हम लोग रुके हुए हैं और यहाँ से लगभग वही 20-25 किलोमीटर बचा हुआ है धमतरी, और मस्त ठंडी ठंडी हवा लग रही है यहाँ पे और हमारी बाइक अच्छी खासी चल रही है। बाइक के बारे में मैंने यहाँ पे लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी दी है यहाँ पे, और ये दीदी खाना है देख रहे हो क्या लेकर घूम रहा लड़का, ब्लूटूथ देख रहे हो, ये लड़का बड़ा घर का है। कुछ भी देख रहे, कुछ भी भाई, कुछ भी देख रहे। गाना सुनते सुनते
पता नहीं मड़ाई मेला हम लोग जा रहे हैं, तो नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिलेगा, निकलते हैं। अब मेरे भी चैनल को यार सपोर्ट करो, कोई सपोर्ट नहीं करते हो, बहुत कम सपोर्ट करते हो। वीडियो वीडियो डालता वालता नहीं है, बस सपोर्ट मांगता रहता है। प्लीज यूज हेलमेट, मत सब्सक्राइब करना, बिल्कुल भी मत करना। ठीक है, मत करना, कोई बात नहीं, कर लेना भाई, लड़का जीत कर रहा। लेकिन वीडियो बोलोगे ना तो गिने चुने दिन आएंगे, महीने में एक दो वीडियो आके बहुत है। अच्छा अच्छा, ठीक है, तो ठीक है, अब निकलते हैं हम लोग। अपनी क्या है, रामप्यारी? रामप्यारी नहीं है, अब इसका नाम कुछ यूनिक रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम सूट नहीं कर रहा है, इसीलिए शायद गाड़ी कहीं भी खराब हो जाती है। चलो बैटरी भी चेंज कर लिया अपना गोप्रो का। और कई लोग पूछते हैं कि सर आप जब बाइक चलाते हो तो मोबाइल से रिकॉर्ड करते हो या गोप्रो से? तो मैं गोप्रो से रिकॉर्ड करता हूँ, क्योंकि मोबाइल से तो बन नहीं पाता, कितनी इतनी हैवी बाइक है ये, एक हाथ में कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल होता है, तो गोप्रो से ही करता हूँ मैं। गोप्रो हीरो 8, हर हर महादेव। चलो आगे बढ़ा जाए गाइस। तो हम लोग एंट्री ले चुके हैं धमतरी सिटी में, राइट साइड में कॉलेज है, ये देखो गवर्नमेंट कॉलेज। और बरसात के समय में ये पूरा लबालब भरा हुआ था भाई, देखा होगा आपने व्लॉग, जब बरसात के समय में आया था स्पेशली यहाँ का वीडियो बनाने के लिए। और गंगरेल डैम भी है इस साइड में घूमने लायक जगह, वहाँ का व्लॉग देखना है तो बताइएगा, आएंगे अपन फिर से व्लॉग शूट करने के लिए। देखो आसपास के एरिया हल्का फुल्का दिखलाने वाला हूँ, और अंदर में गुड़िया बैठी हुई है। SBI देन मैं आपको बताने वाला हूँ कहाँ पे अपन नाश्ता करने वाले, वहाँ भी आप ट्राई कर सकते हो नाश्ता वगैरह, क्योंकि यहाँ पे फेमस। तो देखो अंकल की जो दुकान है वो बंद कर तैयार हो गई है, और यहाँ पे ये जो बड़ा है ये मिलता भाई फेमस। तो क्या बड़ा बोलते हैं? मुंबड़ा। तो मुंबड़ा देख लो, ये ट्राई करने वाले हैं, फेमस है। गाइस तो मैं ऊपर में बैठा हुआ, क्योंकि नीचे में पूरा फूल है, और ये मस्त बना दिया भाई। उस समय आया था तो यहाँ पे काम चल रहा था, और वही बड़ा अपन खाने वाले मुंबड़ा। तो हमारे सब्सक्राइबर भाई है, क्या नाम? साहू जी है, और यहीं पे रहते ना? चलो देखो हम नाश्ता करने के लिए रुके हुए थे, यहाँ पे सब्सक्राइबर मिले, मिल के अच्छा लगा भाई। आगे अपना बड़ा देखो, अपना स्वादिष्ट बड़ा है भाई, गर्मा गर्म खाते हैं। वाह, जो लाल चटनी है ना बहुत तीखा रहता है, जिसको तीखे से ज़्यादा एलर्जी है तो लाल चटनी मान लीजिए, लेकिन उसके बगैर मज़ा भी नहीं आया। भाई को आता नहीं है वो चीज़, सब दुनिया भर का लफड़ा हो रहा है। मिलते हैं, बहुत ज़्यादा एक नया ब्लॉग।